एवरीवन, आज के वीडियो को यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यार सिम्बा से ही स्टार्ट करते हैं। सिम्बा को आप लोग सब जानते थे, आप लोगों ने उसको बहुत बहुत प्यार दिया था, और आप लोगों को ये भी पता है कि ही इज़ नो मोर। हमें आधे रास्ते में ही छोड़कर वो इस दुनिया से जा चुका है, और उसके साथ क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ, इस बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। सिम्बा के जाने के बाद ना आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी आप नया पपी ले लो, नया पपी ले लो, सिम्बा जैसा एक नया पपी ले लो। लेकिन उस टाइम ना मैं भी रेडी नहीं थी, और इवन अर्नो भी रेडी नहीं था। इनफैक्ट हमारे आसपास जो लोग सिम्बा को जानते थे, जब उनको पता चला कि सिम्बा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग ना नया पपी ले लो, तभी आपके जो ये घाव है ना वो भर पाएंगे। अब उनकी बात तो सही थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि उस टाइम आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हो, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अब सिम्बा को गए हुए 8 महीने हो चुके हैं, और अब ये कहना कि यार अब मेरे घाव भर चुके हैं, तो ये तो सच नहीं होगा, क्योंकि वो घाव ना कभी भी नहीं भर सकता, और लाइफ टाइम वो रहेगा। कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो भर नहीं सकता, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यार काश वो होता तो मैं उसके साथ ऐसा घूमने जाती, उसके साथ ऐसे करती, उसके साथ ऐसे खेलती। लेकिन आई नो इन सब चीज़ों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस आने वाला है नहीं। तो अच्छा होगा कि हम लाइफ में आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर लें, और उसको अपनी यादों में ना हमेशा के लिए बसा के रख लें। सिम्बा हमेशा हमारी यादों में रहेगा। अब 8 महीने हो चुके हैं सिम्बा को गए हुए, तो मुझे लगता है कि अब जो लाइफ में खाली स्थान है, खाली जगह रह गई है, तो उसको ना पूरा करने का टाइम आ गया है। तो आज हमारे घर में आने वाला है एक नया मेहमान। अब नया मेहमान से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इवन आप थंबनेल देखकर भी अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने। तो आज हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है, एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड, क्योंकि काफी दिनों बाद ना घर में खुशी आने वाली है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तो सुबह से वेट कर रहा हूँ। पता है हम सुबह से वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों देर हो रही है। और नहीं, हाँ हम लोग तो पहले सोचे थे कि 12-1 बजे तक आ जाएगा। वही तो हम चाह रहे थे जल्दी आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा लेट हो गया। अब यार ये पपी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ हम अच्छी बातें करते हैं, और नए वाले पपी से जैसे ही आता है ना मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, लेकिन उसके स्वागत के लिए ना मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। आई एम सो हैप्पी, और मुझे पता है आप लोग भी बहुत खुश होंगे। अब यार पपी तो आने वाला है थोड़ी ही देर में, लेकिन उसके लिए ना हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो मैं और अर्णव अभी डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या करें, पहले जाएं उसके आने से, या फिर उसको लेके जाएं उसके आने के बाद, पहले ही जाना चाहिए, बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे। क्योंकि ना कुछ चीज़ें यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि उसका बाउल हो गया, उसका बेड हो गया, 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी शॉपिंग करनी है। अर्णव बोल रहा है अभी चल लेते हैं, फिर पपी आ जाएगा, तो उसको लेके कहाँ से जाएंगे, इतना छोटा सा पपी होगा। मेरे को लग रहा है बात भी सही है। 4:15 हो रहा है, 5:30 बजे तक पपी हमारे पास आ जाएगा। उससे पहले जितनी भी, हाँ आराम से आ जाएंगे, जितनी भी चीज़ें चाहिए ना वो खरीद के ले आते हैं, पास में ही दुकान है, वहाँ जाते हैं। राजा राजा आया, राजा राजा आया। 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। पहुंच गए, अभी तो हमको शॉप भी ढूंढनी है, अभी तो सिर्फ मार्केट में पहुंचे, अभी शॉप ढूंढनी है। शॉप कहाँ पर है? मैं ही देख लूँ एड्रेस कहाँ पर है यार, इसको तो पता नहीं चल रहा है। दिखा, बाहर से तो कुछ और ही दिख रहा है, नेट ही नहीं है मेरे में। यार ये वाला पेट शॉप मिला है, वो वाला तो मिला नहीं जिसके लिए आए थे। पानी टपक रहा है यार ऊपर से, नीचे पानी पानी हो रहा। शॉप ये इसका नहीं, एनडी का, एनडी का सब शटर खत्म होकर कर लेना, तो वही बेस्ट होता है। लेकिन ये तो मिन नहीं, मिन नहीं, लेकिन स्टार्टर अलग होता है ना। स्टार्टर वैसे अलग होता है, लेकिन ये है कि ये खा सकता है, मिनी वाला दाना और स्टार्टर का दाना सेम होता है। थैंक यू। एडजस्टेबल बाउल होगा क्या? अभी यार दूसरे पेट शॉप पे आए हैं, ये वाला पेट शॉप है, ये वाला। लाइट भी नहीं है तो लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट नहीं आ रही है, आने वाली है।
स्टार्टर होगा, एनएमडी का स्टार्ट लेयर ऑयल के अंदर एनडी का लाई गाड़ी दोनों दिन। स्टार्टर नहीं मिल रहा, इतनी जगह पूछ लिया, इससे पहले वाली दुकान पे पूछा था वहाँ भी नहीं मिला स्टार्टर, इधर भी नहीं मिला। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यार दुकान पे पहले कॉल करके पूछ लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा, नहीं तो फिर कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे यार। पपी के आने का भी टाइम हो रहा है, अभी हम पपी के लिए शॉपिंग कर ही रहे थे कि हमारे पास कॉल आ गया कि हमारा पपी आ चुका है। और यार शॉपिंग बहुत ज़्यादा बाकी थी, क्योंकि यार ना एक ही दुकान पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है, तो हमको दो तीन दुकानों पर जाकर सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी और हम लोग भाग भाग के आए। और घर आए तो देखती हूँ कि हमारा पपी आ चुका है, और यार ये बहुत बहुत क्यूट है। तो चलिए मैं तो मिल चुकी हूँ और आपको भी उससे मिलाती हूँ। और हाँ यार, मैंने आपको ब्रीड तो बताई नहीं कि हम कौन सी ब्रीड का पपी लेने वाले हैं। तो हम लेने वाले हैं गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का पपी जो हमारे पास पहले था। तो यार मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो चलो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और आपसे मिलाती हूँ हमारे नए पपी को। तो ये रहा हमारा नया पपी, क्यूट है ना यार, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत छोटा सा और बहुत क्यूट है। वेलकम वेलकम, अपने नए घर में आपका स्वागत है। तो चलो अभी आज इसका पहला दिन है घर में, तो अभी करते हैं इसके स्वागत यानी कि वेलकम की तैयारी। यार वेलकम तो बनता है, इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई नया मेंबर आया है। अरे वाह, आप तो बहुत सिंसियर हो, क्यूट है ना यार, ये बहुत क्यूट है। और हम नए वाले पपी का वेलकम करने वाले हैं, आरती उतार कर मेरी आरती की थाली तैयार है। तो चले करते हैं नए पपी का वेलकम। अरे यार उसका तो कोई नया ही वेलकम करने के लिए आ गया, वीडियो नया वेलकम करने के लिए आ गए, वेलकम कर रहे लोग डॉग। यार ये इतना बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया, और क्या गया थोड़ा बस। अभी टाइम है इसकी आरती उतारने का, ऐसे अच्छे से पकड़ो पता है वो उसको ना, मतलब जलता हुआ कुछ दिख रहा है ना, तो वो सोच रहा है क्या है, लाओ फूल इसके पास ऊपर रखूं। अरे वाह, अरे अरे वाह, तू तो बहुत ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो चलो चल चावल थोड़ा ऊपर रखो, ऊपर रखो ना, चल 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 चल, आजा आजा। वेलकम वेलकम वेलकम, अरे ठीक है काट लेना, तू काट ले, तू आते ही काट ले। और हाँ यार, हमने ना अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा है, मैं अभी तक सोच ही रही हूँ कि इसका क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए आपका। तब तक ना आपके दिमाग में अगर कोई नाम है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसको भर डालो नामों से। अगर मुझे नाम पसंद आता है तो मैं इसका नाम वो जरूर रखूंगी। ये तो यार आते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसी का घर है, कोई नर्वसनेस नहीं है कुछ भी, इसको अजनबी सा नहीं लग रहा, मस्त हो गया, काट रहा है हर चीज को लगता है मुझे बहुत ही पछताना पड़ेगा इसको लाने के बाद। देखो अरे वाह, सब काट दे तू, सब, अरे सब काट दे, सब काट दे तू, सब काट दे। चेतानियां तो अब पहले दिन से ही स्टार्ट हो चुकी है, आगे पता नहीं क्या होगा, बहुत शैतान है यार ये, बहुत शैतान है। सोचो पहले दिन ही से शैतानियां स्टार्ट कर दी है इसने, छोड़ दे यार, छोड़ दे छोड़ दे। पता है एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं जो जो शॉपिंग करूंगी आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन यार जब मैं शॉप पे गई ना शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा फोन ना स्विच ऑफ हो गया, मैंने देखा ही नहीं, मेरी बैटरी ना बिल्कुल लो हो चुकी थी तो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मैंने पपी के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है। तो यार सबसे पहले तो मैंने ये वाला डॉग फूड खरीदा यार, ये बहुत मुश्किल से मिला, ये स्टार्टर है एनडी का फार्मिना का, ये खरीदा मैंने, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है स्टार्टर है, ये पपी को दोगे ना तो अच्छा होता है, बेस्ट है। और ये सेरेलिक सेरेलिक एंड क्या बोलते हैं ये वाला जो डॉग फूड है, ये अल्टरनेट करके देना है। मैंने ये वाला बाउल खरीदा है इसके लिए, और ना इसमें दो बाउल है, मतलब ये ऐसे अलग अलग भी हो जाता, तो एक में आप पानी दे सकते हो, एक में आप खाना दे सकते हो। लेकिन यार ये ना बहुत बड़ा है, मतलब इसका साइज देखो यार, छोटा यार, इसका साइज देखो, इसके साइज के बराबर है बिल्कुल। तो थोड़े दिन मैं इसमें इसको खाना नहीं देने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और, अरे कुछ और बर्तन यूज कर लूँ इसको खाना देने के लिए, और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इसको यूज करेंगे। उसके अलावा रुक जा यार रुक जा, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ले
और मैंने ये वाला हेयर कॉम खरीदा है पपी के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग हेयर वाला डॉग लेते हो ना तो आपको उसको सुबह शाम कॉम करना पड़ता है, और ये वाला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो कॉम करने के बाद ना आप ऐसे करोगे ना तो जो अंदर फंसे हुए बाल होते हैं ना वो भी निकल जाएंगे। वैसे यार ये बहुत बड़ा है और अभी देखा जाए तो इसके साइज के बराबर है, तो फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करूंगी थोड़े दिन, तब तक मैं कुछ और ऑप्शन देखने वाली हूँ। और मैंने ये वाले दो टॉयज भी लिए हैं। पता है यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि ये दो ले लेती हूँ, और बाकी के जितने टॉयज है ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने ये लिया है वेट वाइप्स या पेट वाइप्स। एक्चुअली जब डॉग खाना खाता है ना तो खाना उसके फेस के इधर लग जाता है, नीचे की तरफ लग जाता है, वो सूख के कड़क हो जाता है, तो जब भी डॉग खाना खाता है ना तो वेट वाइप से आप उसको साफ कर दो, और आप इसको आंख साफ करने और पैर साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत काम की चीज है ये। और मैंने ये वाला बेड लिया है इसके लिए, अब मुझे नहीं पता इसको पसंद आएगा नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है ना सदियों से ये इस घर में रह रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्रेंडली हो गया बिल्कुल। ठीक है वैसे यार अच्छा है। अब आज रात को ये क्या करेगा पता नहीं यार, रोएगा या सोएगा पता नहीं। ये देखो 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 देखो, इधर आ। बस हो गया, अभी इसका सोएगा भी। स्लीपिंग स्लीपिंग कर ले होगा, स्लीपिंग स्लीपिंग कर ले होगा, अब इसको नींद आ रही है, सोएगा भी। तरनव इतना बड़ा बाउल लाया है उसमें से पानी कैसे पिएगा वो? ऊपर तक भर के लाते हैं अर्नव। नहीं ना पानी नहीं पीता है वो, पीता है क्या? सारे लाइक खाता है वो, अभी पानी उसको अजीब लग रहा होगा। इसकी नाक डूब रही है ना, इसको अजीब लग रहा है। इसको पसंद आ गया अर्नव, इसको पसंद आ गया बेड। ओके खाना पीना इसका हो चुका है और अब टाइम है सोने का। आज ये इसकी पहली रात है तो मुझे पता नहीं आ रही है कैसे करेगा। देखती हूँ यार, मैंने इसको बेड पे रखा हुआ है, खेल रहा है आराम से, और यार ये काटने में ना बहुत माहिर है। देखो पता नहीं अभी से काटना स्टार्ट कर दिया इसने, देख रहे हो देख रहे हो। एंड यार अभी ना मुझे ये डिसाइड करना है कि इसको सोने का हमें क्या करना है, मतलब इसको बेड पे सुलाना है या साथ में सुलाना है, देखना पड़ेगा। क्योंकि ना नॉर्मली ये वाले जो पपी होते हैं ना ये अकेले सो जाते हैं, पर मैं ट्राई करूँगी मेरे साथ ही सोए ये। सो अभी टाइम है सोने का, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये पपी कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी इसको संभालना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इधर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।